बेसिक नॉलेज है, मतलब आपको कुछ बॉस के बारे में पता करना, तो आप यहाँ आलिम आदमी सराफ़ का काम करें। माशाल्लाह नमाज होती है, हम लोग यहाँ इंशाल्लाह सुबह के वक्त आएंगे। पीछे से भी आपको दिखाते आ जाए। चिकन क्या बात है, इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं। अल बैक की फेमस चिकन और साथ में ये गार्लिक सॉस इन्होंने दिए, चलिए इसको ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम। माशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, और हम लोगों का मदीने में जो वक्त गुजर रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कि इतना ज़बरदस्त वक्त गुजर रहा है माशाल्लाह, कि मैं अल्फाज से बयान नहीं कर सकता कि हम लोग कितने, मतलब कितने खुश नसीब है कि हम लोग यहाँ पर हुजूर पाक के शहर में आए हैं। आज हम लोग आपको ज़ियारत कराएँगे मस्जिद गमामा, जहाँ पर हुजूर पाक ने बारिश के लिए दुआ की थी, और दूसरा वहाँ पे हज़रत पाक ने लास्ट दो ईद की नमाज़ वहाँ पे अदा की थी। उसके पास में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की मस्जिद है, उसी के पास हज़रत अली रज़ियल्लाहु की मस्जिद है। तो बस आप इसकी ज़ियारत करें, ये ब्लॉग बनाने का ये मकसद है कि भाई आप लोग जो वहाँ पे जो हैं वो भी सब ज़ियारतें कर सकें। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी होटल पुलमन जमजम है माशाल्लाह, और कितना करीब है आपको ये दिखाते हैं कि बस बाहर निकलेंगे और मस्जिद नबी माशाल्लाह। चलिए चले आ जाए, तो ये हम बाहर निकले हैं यहाँ से, हम तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी मदीने शरीफ या मक्का शरीफ उमरा पे आए, तो जहाँ तक हो सके आप एकदम करीब होटल लें, ताकि आप आराम से वॉक करके जा सकें या वापस मस्जिद में आके आराम से वजू कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको एक्सेसिबल है पास में। ये देखिए हमारी होटल है माशाल्लाह। वैसे आपने होटल का पूरा ब्लॉग देख लिया होगा, उस दिन बहुत थका हुआ था यार, तो देखो कैसे मैंने बनाया ब्लॉग। ये है मस्जिद नबी की मीनारे नज़र आ गई है, और वही सामने बस गेट है, कहीं नहीं जाना है आपको, बस वॉकिंग डिस्टेंस 50 मीटर भी नहीं होगा यार। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मस्जिद नबी की, क्या बात है हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चलिए तो आज ज़ायरत करेंगे इंशाल्लाह हम लोग मस्जिद गमामा, मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। और काफ़ी ज़बरदस्त आर्किटेक्ट है, आप देखें और आप वहाँ जाके देखें, और कितना ज़बरदस्त उन्होंने डेवलप किया है वहाँ वो जो एरिया है। चलिए देखिए रात का वक्त और मस्जिद नबी माशाल्लाह, मदीना शरीफ में हम लोग घूम रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार बंदों को हुज़ूर पाक ने हमें यहाँ पर बुलाया माशाल्लाह। मदीना मदीना माशाल्लाह, बस होटल से निकलते ही गुंबद खजरा, देखिए ये देखिए, ये देखिए आप माशाल्लाह, क्या बात है। जिसे चाह दर पर बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। देखिए माशाल्लाह, ये म्यूज़ियम यहाँ बना हुआ है, तो इंशाल्लाह हम लोग इसका भी वीडियो बनाएंगे। हुज़मा और अम्मी किसवा तो यहाँ पे होके आ गए हैं, हम लोग नहीं गए, तो इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा देखिए म्यूज़ियम है हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बायोग्राफी है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज यहाँ मिलेगी माशाल्लाह। अभी बंद हो गया है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको भी हमारे ब्लॉग में कवर करें, बिकॉज़ आप लोगों को पता रहेगा कि क्या मतलब पुराने अपना मस्जिद नबी कैसे दिखती थी, सब कुछ है इसमें। चलिए देखिए तैबा मदीना जो होटल है, हम लोग वहाँ पहुँच गए, यहाँ पर ही मस्जिद गमामा है, और मस्जिद अबू हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, और मस्जिद अली भी यहाँ पे। चलिए आपको ज़ियारत कराते हैं माशाल्लाह।
मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। अरे साहब बेटा, यहाँ पे आप फैमिली के साथ में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एकदम खुली खुली हवा यहाँ पे है, ये देखिए। तो बस ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद गमामा है। अजय, तो यहाँ पे हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की लाश जो हजूर पाक की जो लाश जो ईद की नमाज थी लाश दो जो लाश दो ईद की नमाज जो हजूर पाक ने अदा की थी वो इसी मस्जिद में अदा की थी। और यहाँ पे बारिश के लिए भी हजूर पाक ने बहुत दुआ की थी। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। अजय, आर्किटेक्ट देखें आप, जो आर्किटेक्ट जिस हिसाब से उन्होंने बनाया ना, माशाल्लाह क्या बात है, जबरदस्त। चल दे बेटा, क्या बात है। आ जाए देखिए, तो पूरा इन्होंने अभी ये डेवलप किया है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त इन्होंने डेवलपमेंट किया। ये मस्जिद गमामा आर्किटेक्ट देखिए कैसे उन्होंने बनाया हुआ है। आ जाए, देखिए आपको दिखाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं, इट इज द लास्ट प्लेस इन विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड एंड प्रेड द लास्ट टू ईद नमाज एंड प्रेड फॉर रेन। तो ये पूरा इन्होंने यहाँ पे सब समझाया हुआ है, आप ये पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आपको पूरी मस्जिद दिखाते हैं। आ जाए, अभी रात हो गई तो मस्जिद बंद हो गई है। अच्छा, दिखाता हूँ यहाँ पे, ला मैं दिखाता हूँ ताक आस्था मेरा वीडियो बना रहे। मस्जिद गमामा हो गई, आपको मैंने बता दिया, बेसिक नॉलेज है, मतलब आपको कुछ और के बारे में पता करना है तो आप यहाँ आलिम आदमी से रब्ता कायम करें। माशाल्लाह नमाज होती है, हम लोग यहाँ इंशाल्लाह सुबह के वक्त आएंगे तो नमाज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। हम लोग क्लिप बना देते हैं। ये देखिए पूरा व्यू मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये मस्जिद गमामा का व्यू, पूरा व्यू देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये मस्जिद नबी यहाँ पे है और मस्जिद गमामा यहाँ पे माशाल्लाह। तो आप कभी भी आएँ तो आप यहाँ पे भी आके दुआएं मांगें, और माशाल्लाह क्योंकि हज़रत पाक ने बारिश के लिए दुआ की थी तो ये सबसे मुबारक जगह है, आप यहाँ भी दुआ करें। अब आपको मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दिखाते हैं। आ देखिए, आ जाए देखिए, जैसे मस्जिद गमामा के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी और ये अबू बकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है। आर्किटेक्ट देखें आप, मतलब क्या ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। एक बार मैं वाइड एंगल से ले रहा हूँ, देखिए ये मस्जिद गमामा है माशाल्लाह, इसके एकदम सामने आपको मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नज़र आएगी। चलिए पास में आपकी ज़ियारत कर देते हैं, माशाल्लाह जाए। ये देखिए, मतलब क्या आर्किटेक्ट ज़बरदस्त। ये देखिए, तो ये भी हमने आपको ज़ियारत करा दी माशाल्लाह। अब हम लोग मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ पे जाएंगे और वहाँ की ज़ियारत अब कराएंगे। देखिए माशाल्लाह, एकदम पास में सामने दिखा रहे हैं माशाल्लाह, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पीछे से भी आपको दिखाते हैं। आ जाए, ये देखिए, ये पूरी मस्जिद है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है माशाल्लाह। ये देखिए, ये
देखिए देखिए, अब चलिए आपको मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दिखा देते, मुझे दिखा देते। देखिए जब आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु की मस्जिद से पास यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है। हम लोग पीछे से जाएंगे, देखिए आपको दिखाते आ जाए। अच्छा ये अभी इन्होंने बंद किया हुआ है, देखते अगर आगे से जाने देंगे तो। कहा साहब थके तो नहीं? मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। मैं मदीने की गलियों में घूमूं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैं मदीने की गलियों में घूमूं, मुझको दुनिया की परवाह नहीं है। ठहरो मोहम्मद जी भर कर देखा नहीं है। आ जाए मदीने की गलियां, सब कुछ मदीना मदीना माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाए सब। ये देखिए मस्जिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, अभी ये बंद की भी उन्होंने, काम चल रहा होगा उनका। देखिए आ जाए, तो ये मस्जिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सारी ये तीनों मस्जिद एकदम पास पास है माशाल्लाह। तो हम लोगों ने आपको तीनों मस्जिद की ज़ियारत करा दी है, आप जब भी बस जब भी ज़ियारत करें तो हमें दुआ में याद रखें। देखिए ये पूरी मस्जिद है, मैं बैक से लेके देखता आपको दिखा दूँ, एक वाइड एंगल लेंगे इंशाल्लाह। और सामने मस्जिद है नबी, ये देखिए ये सामने मस्जिद नबी और ये मस्जिद अली माशाल्लाह। अलबैक में हम लोगों ने अलबैक ऑर्डर दे दिया है, हम लोगों ने यहाँ पे दो मील्स दिए हैं और श्रिंप्स दिए हैं मैंने, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं। ये देखिए कितना रश यहाँ पे, मेरा नंबर है 927 927 है, अभी चल रहा है 867, तो बस हमारा नंबर आ जाएगा उसके बाद फिर हम लोग हमारा ऑर्डर। फिलहाल हम लोग अलबैक में सबके ऑर्डर्स यहाँ से आ रहे हैं, बस हम लोग हमारा वेट करें, जैसे ही हमारा ऑर्डर आएगा और हम लोग यहाँ पे इनको पैकिंग के साथ साथ ले लेंगे ऑर्डर। हम बैक का है, हम लोगों ने यहाँ पे दो मील लिए और एक स्ट्रिम्स का मील लिया। सिस्टम देखो यार कितने लोग फटाफट काम कर रहे हैं, माइक में लेके आए नहीं यार आज ना, वरना आपको आवाज़ तो वैसे साफ ही आ रही होगी। पूरा सिस्टमेटिक काम हो रहा है माशाल्लाह और फटाफट ऑर्डर सर्व हो रहे हैं, बस हम लोग वेट करें। हमारा ये नंबर है देखिए 927, तो बस हम लोगों ने हमारा ऑर्डर दे दे दिया, बस हम लोग ऑर्डर आएगा, देखिए तैयार हो रहा है सब यहाँ पे। हमने दो मील ऑर्डर किए हैं चिकन के, स्मेट पीसेस आएंगे और एक हमने स्ट्रिम्स ऑर्डर किया, तो बस हम लोग वेट करें हमारा ऑर्डर आएगा, फिर हम लोग होटल में जाके खाएंगे। चलिए यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हैं जी, एक मील आ गया हमारा, देखिए एक मील रेडी है, अब एक मील और लेके आएंगे सिम्स के इसमें। ये पीसेज है बेटा, ये हमारा ऑर्डर आ गया, देखिए रेडी है, ये दोनों मील्स आ गए, ये सिम्स आ गए और ये बन आ गए, डन ऑल डन। होटल में और होटल चल के बात करते हैं, आ जाए इसमें इतने सारे बन आए देखिए माशाल्लाह। चलिए इसको खोलते हैं, देखिए ये पूरे चिकन है, क्या बात है, इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं। अल बैक की फेमस चिकन और साथ में ये गार्लिक सॉस इन्होंने दिए, चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्या बात है यार क्या बात है, देखिए अंदर से बहुत ही क्रिस्पी है और ऊपर से पूरी, देखो अंदर से पूरी गल गई है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी है माशाल्लाह, क्या बात है। गरमा गरम है, स्किन वाली है सॉस के साथ में।
अंदर से देखो इन्होंने मसाले लगाए पूरा अंदर तक, माशाल्लाह क्या बात है। अल बैक से बात क्यों आ रही है, बारी इनके श्रिम्स की देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, चलिए इसको ट्राई करते हैं। एक नंबर यार, एकदम फ्रेश है। आज भी वही सेम टेस्ट है यार, मतलब ये तो तभी तो आप इतना आपको फुर्सत नहीं मिलती है। बन गई ऑलरेडी देखो एकदम फ्रेश, माशाल्लाह क्या बात है। तो ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो एकदम हमारे होटल के पास में ही है अलबैक, आपको सब जगह मिल जाएगा। और इससे बेहतरीन फ्राइड चिकन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो सेटअप दिया देखो टिश्यू के साथ में, चलिए बस इसी के साथ हम लोग ये अलबैक का जो वीडियो वो भी खत्म करते हैं। इंशाल्लाह बस हमारे साथ में रहेगा, आप हमें दुआओं में याद रखें, और जब जब आप हमारे हमने ज़ारतों की वीडियो बनाए तो बस आप दरूद व सलाम के जो जो अल्फाज हैं वो अपने जबान पे जारी रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। चलिए बस इसके बाद हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।